नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है जापानी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुजुकी मोटर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी के द्वारा प्लानिंग की जा रही है कि वो इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको अब और भी एक्सपांड करेंगे। एंड इसके लिए वो अगले 4-5 सालों के अंदर अंदर हमारे देश में 104.4 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों केवल जापानीज गवर्नमेंट ही नहीं, जापानीज कंपनीज भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने में लगी हुई हैं। एंड काफ़ी लंबे समय से वो हमारे देश में हैवीली इन्वेस्ट कर रही हैं। एंड इसका एस्टिमेशन आप ऐसे लगा सकते हैं कि केवल जापानीज कंपनीज के लिए ही हमारे देश में जापानीज इंडस्ट्रियल इस्टेट्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। बहुत सारी स्टेट में बनकर भी तैयार हो रही हैं। और वहीं बात करें सुजुकी इन प्लांट्स के बारे में, तो इनके द्वारा कहा गया है कि वो इंडिया में उनकी जो ईवीज की प्रोडक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। एंड 31 बिलियन रुपीज़ 2025 तक इसके ऊपर इन्वेस्ट किए जाएंगे। साथ साथ ईवी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वो हमारे देश में 73 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे और 2026 तक उनका प्लांट हमारे देश में बनकर तैयार हो जाएगा। करंटली दोस्तों उनकी जो ईवीज हैं जो कि स्पेसिफिकली न्यू मॉडल्स हैं उनके ट्रायल्स एंड टेस्ट हमारे देश में चल रहे हैं और 2025 तक इनके सभी के सभी प्लांट्स आपको ग्राउंड पर देखने को मिल जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज की जो कार्गो कैरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा एक और मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल अप्रूव कर दिया गया है जो कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होना है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि झारखंड में एक मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है, लेकिन अब एक और मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल राजस्थान सिटी में बनकर तैयार होना है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का पहला मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल होगा। स्पेसिफिकली दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी रेलवेज के जो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स हैं इनको हमारी रेलवेज को द्वारा सेटअप नहीं किया जा रहा है, बल्कि हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसका सबसे ज़्यादा फायदा लेना चाहती हैं वही इनको सेटअप करने में लगी हुई हैं। क्योंकि झारखंड में भी किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही इसको सेटअप किया गया था जो कि कोल का ट्रांसपोर्टेशन करती है, जबकि नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल सेटअप किया जा रहा है वो हमारे देश की बनी हुई रेनाउंड कंपनी अंबुजा सीमेंट के द्वारा सेटअप किया जाना है, जिसके थ्रू वो उनके सीमेंट एंड क्लिंकर जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। साथ साथ हमारी रेलवे को भी इसका बेनिफिट होगा क्योंकि हमारी रेलवे इसके थ्रू उनका कोल ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, जहां पर हमारे देश के 5G सेक्टर से निकाले जाने के बाद अब जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं इस सेक्टर से भी बाहर का रास्ता दिख रहा है। क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस चाइनीज कंपनीज के द्वारा लगाई गई हैं उसके चलते चाइनीज कंपनीज हमारे देश में उनका बिजनेस कर ही नहीं पा रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर है इसमें चाइनीज कंपनीज की प्रेजेंस ना हो, इसके चलते हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रही है ताकि एक भी चाइनीज कंपनीज को इसमें एंटर करने ना दिया जाए। और अगर आपको पता होगा तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा कुछ समय पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का गठन किया गया था, जो कि एक ऐसी बॉडी है जो हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज हैं उनको अप्रूव करने का काम करती है। एंड दोस्तों इसी बॉडी के द्वारा अभी तक टोटल 20 कंपनीज को हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर के लिए अप्रूव किया जा चुका है। एंड इसमें एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि चाइनीज कंपनी हो। इसका रीजन ये बताया गया है कि जो चाइनीज कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन चाइना हैं, जिनके चलते इनको अप्रूवल नहीं मिली है, और मे बी अगर इंडिया में बने होते तो शायद अप्रूवल मिल सकती थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके चलते चाइना को काफ़ी बड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का जो 4G नेटवर्क था जो कि स्टेब्लिश हो चुका है उसमें 30-40% जो स्टेब्लिशमेंट है वो चाइनीज कंपनीज के द्वारा ही की गई है। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से आ रही है, जहां पर तिरुपति रेलवे स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बन जाएगा जहां पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट लॉन्च किया जाना है। दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि विशाखापट्टनम स्टेशन पर भी ये जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट है ये लॉन्च किया जाएगा, और अब तिरुपति स्टेशन पर भी ये कंसेप्ट लॉन्च होगा। और इस कंसेप्ट के अंतर्गत होगा ये कि तिरुपति स्टेशन पर कलमकारी साड़ीज, टेक्सटाइल्स, वुड कार्विंग्स और तिरुपति से रिलेटेड जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं जो कि उसी एरिया में फेमस है उन सबको स्टेशन पर शोकेस करके तिरुपति स्टेशन को एज अ प्रमोशनल हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। क्योंकि तिरुपति कलमकारी आर्ट्स, टेक्सटाइल इन सभी चीज़ों के लिए फेमस है, और पायलट बेसिस पर ये जो कंसेप्ट है इसको 15 दिन तक चलाया जाएगा। अगर बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा महाडा का जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है वो प्रूफ कर दिया गया है, जिसके चलते महाडा के जो हेडक्वार्टर्स हैं जो कि बांद्रा एच में लोकेटेड है इनको एक न्यू मेकओवर दिया जाएगा। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है वो किसी बिल्डिंग के फ्लोर और साथ साथ उस बिल्डिंग का जो प्लॉट एरिया है उनके बीच में एक रेशो होती है जो कि मोस्टली टाउन प्लान स्कीम के लिए यूज़ की जाती है। एंड इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि किस लेवल तक एक बिल्डिंग को डेवलप किया जा सकता है। सिमिलरली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने महाडा का जो हेडक्वार्टर है उसको FSI में 5 पॉइंट दिए हैं,
जिसके चलते बहुत सारी अथॉरिटीज अब महाडा के एक अम्ब्रेला में अंडर आ जाएंगी। और एज ऑफ नाउ महाडा का जो हेडक्वार्टर है वो 19,023 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है, जिसके रीडेवलपमेंट के जल्दी काम स्टार्ट होगा। क्योंकि दोस्तों एज ऑफ नाउ जो रीडेवलपमेंट के लिए दो प्लान प्रिपेयर किए गए हैं, और अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि किन प्लान के बेसिस पर महाडा के हेडक्वार्टर को डेवलप किया जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों अगले एक दो सालों के अंदर अंदर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो रोड ट्रांसपोर्टेशन एरिया है वो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा। क्योंकि DMRC के द्वारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और इनफैक्ट दिल्ली का जो पहला डबल डेकर मेट्रो कम फ्लाईओवर है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें डबल डेकर मेट्रो कम फ्लाईओवर होगा, ये एक ऐसा फ्लाईओवर होगा जिसके टॉप पर मेट्रो लाइन होगी और वहीं उसके नीचे फ्लाईओवर होगा। एंड दिल्ली मेट्रो के मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच में बन रहा जो कॉरिडोर है, इसका एक पार्ट होगा जो कि भजनपुरा से गोकुलपुर के बीच में बनकर तैयार होगा। और इस तरह से सेम थिंग जयपुर मेट्रो के अंतर्गत भी बनकर तैयार हो चुकी है, जो आपको जयपुर मेट्रो में देखने को मिल सकती है। और अब इसके चलते नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड जो रेल ट्रांसपोर्ट है, ये दोनों थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये माना गया है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बेहतर नहीं है जितना दिल्ली के और एरियाज में है, और 2023 के अंदर अंदर कभी भी ये मेट्रो कम फ्लाईओवर बनकर तैयार हो सकता है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल टूरिज्म से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबंस हैं, इनका जो टूरिज्म है उसको बेहतर बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए वेस्ट बंगाल की टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो सुंदरबन एंड इसके आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं उनको डेवलप करेंगे, और अगले 6 महीने के अंदर अंदर इन पर काम स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की मदद के साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज है वो बनकर तैयार होंगी। इनिशियली जो प्लानिंग की गई है उसके अंतर्गत सुंदरबन के आसपास इको फ्रेंडली होटल्स, एंटरटेनमेंट एरिनास, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है जिनके बारे में बताया गया है। साथ साथ हाउस बोट्स की भी प्लानिंग की गई है, जो कि श्रीनगर में डल लेक में जो चलती हैं उसी की तरह सिमिलर होंगी। दोस्तों देखते हैं कि किस तरह इस पर काम किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है कोयम्बटूर में बनने वाले एक न्यू इंडस्ट्रियल पार्क से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों कोयम्बटूर में इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए कोयम्बटूर की जो लोकल प्लानिंग अथॉरिटी है उनके द्वारा एक न्यू इंडस्ट्रियल पार्क अप्रूव कर दिया गया है, और साथ साथ इस पर काम भी स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों जो इंडस्ट्रियल पार्क होगा ये भी एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क होगा, जिसको कोयम्बटूर के सबब किनाथुकडावु में डेवलप किया जाएगा, और नियरली 78 कंपनीज को इनिशियली यहाँ पर लैंड्स भी अलॉट कर दी जानी है। क्योंकि जो 78 कंपनीज हैं ये सिडको की जो इंडस्ट्रियल इसेट्स हैं उससे बाहर काम कर रही है, जो कि कुरुची में है। और अगर आपको पता होगा तो एक तरह का जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उनको कई तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन जो 78 कंपनीज हैं ये पहले ही सिडको की जो इंडस्ट्रियल इस्टेट है उससे बाहर ही काम कर रही थी। साथ साथ बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो उनके प्लांट्स को एक्सपांड करना चाहती थी, लेकिन लैंड की अनअवेलेबिलिटी होने के चलते इनके जो प्लांट्स थे उनको एक्सपांड नहीं किया जा सकता था। और अब इसी को देखते हुए जो न्यू इंडस्ट्रियल पार्क है बनकर तैयार होगा, जिसके लिए कोयम्बटूर की लोकल प्लानिंग अथॉरिटी ने 42.42 एकड़स ऑफ लैंड को परचेज भी कर लिया है, और साथ साथ जो सभी की सभी चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल पार्क से रिलेटेड वो फाइनल स्टेज में एंटर कर चुकी हैं। और कहा ऐसा गया है कि अगर सब कुछ प्लान की तरह जाता है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये इंडस्ट्रियल पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ओन टेलीकॉम कंपनी BSNL को लेकर, जहां पर दोस्तों BSNL एंड BBNL इनका जो मर्जिंग प्रोसेस है अब वो फाइनल स्टेज में एंटर कर चुका है, और इसी मंथ के अंदर अंदर इनकी जो मर्जिंग है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। दोस्तों BSNL हमारे देश की एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारे देश की दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज है जो कि टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड काम करती है उनके मुकाबले में काफ़ी पीछे है। क्योंकि एज ऑफ नाउ वो 5G लॉन्च करने के लिए देख रहे हैं, जबकि BSNL कभी 4G ही लॉन्च नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे रीजंस के चलते करंटली जो BSNL है उसका हाल ऐसा है कि वो एक ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस में पहुंच चुकी है, और हमारी गवर्नमेंट की मजबूरी ये है कि वो इस कंपनी को प्राइवेटाइज भी नहीं कर सकती है। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में ये इकलौती गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो काम कर रही है, और अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली बन जाएगी। इसी के चलते इसके रिवाइवर के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, और अब BSNL को BBNL से मर्ज कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू होगा ये कि BSNL को 60,000 करोड़ रुपीज के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की एक्सेस मिल जाएगी, जिसके चलते वो उनका बिजनेस कंटिन्यू भी कर पाएंगे एंड साथ साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस में वो फंसे हुए हैं उससे बाहर भी आ पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।